कुल्टी के डीबूडी चेक पोस्ट के पास एक ट्रक ड्राइवर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 31 वर्षीय सुबोध कुमार यादव उर्फ छोटू के रूप में हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया है। पश्चिम बंगाल झारखंड की सीमा पर स्थित डीबूडी चेक पोस्ट के पास एक ट्रक ड्राइवर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 31 वर्षीय सुबोध कुमार यादव उर्फ छोटू के रूप में हुई है। पार्किंग के पास उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में बरामद किया गया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में उसे आसनसोल जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक कुमार डुबी के गाड़ीखाना इलाके का रहने वाला था। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना की सूचना पाकर मृतक के भाई आशीष यादव मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई छोटू यादव को बेरहमी से मारा गया है। उसके दोनों पांव और सीने पर चोट के निशान पाए गए थे। आशीष ने कहा कि घायल अवस्था में जब छोटू को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब उसने बताया था कि रवि नाम के युवक के साथ उसकी मारपीट हुई थी। मैंने प्रस्त पड़ा हुआ था, समझ गए ना? हम लोग यहाँ लाया, लाते लाते वो लेट कर गया। मैंने प्रस्त पड़ा हुआ था। कैसे पता चला कि भाई को वहाँ चोट लगा? उसका खलासी फोन किया कि मिल नहीं रहा है, ऐसे पूरा एकदम आप गाड़ी लेके आइए, एकदम प्रस्त गिरे हुए। देखे पूरा कराह रहा था, रास्ते आस्ते आस्ते तो कुछ बताया भाई कि कौन मारा है? हाँ, एक आदमी का नाम बताया। क्या नाम है? उसका नाम रवि है। पहचानते हैं उसको? हम तो नहीं पहचानते, खलासी पहचानता होगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इस घटना की छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों को मंगलवार को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।